इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर 22 जुलाई को आयकर विभाग ने भारत समाचार और दैनिक भास्कर के स्थानों पर स्थित परिसरों में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की। वहीं इटावा के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकार श्रुति सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट उमेश चंद मिश्रा को सौंपा। पत्रकारों का कहना है, हम देश का चौथा स्तंभ है, जनता को सरकार का आईना दिखाना हमारा काम है, लेकिन हम पर सरकार के खिलाफ दबाव बनाया जाता है, पीटा धमकाया जाता है, हमें अपने काम को सही तरीके से ना करने के लिए दबाव बनाया जाता है। हमने कोरोना के वक्त देश के खराब हालात को जनता के सामने रखा, इसी वजह से सरकार आड़े टेढ़े मामलों में फंसा रही है। पत्रकारों का कहना था, सूचना विभाग इटावा ज्यादातर पत्रकारों के नाम दर्ज नहीं है और जब कोई दुर्घटना घटती है ये कहकर टाल दिया जाता है, ये पत्रकार नहीं। हमारे यहाँ जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने आश्वासन दिया, मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। ज्ञापन देने वालों में शुमार शुगर सिंह, प्रवीण गौतम, संदीप गौतम, पवन सिंह, पुष्पराज, करुणानिधि, विनीत कुमार, राजीव यादव, संतोष तिवारी, प्रकाश चौधरी, ऋषिकांत, संजीव कुमार, अनिक चौधरी, अनिल कुमार, विपिन कुमार सिंह, भुवनेश कुमार, अवनीश कुमार, इकबाल, विवेक दुबे, शारिक अंसारी, शिवम दुबे और भी पत्रकार मौजूद रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? जनाब ऋषिकांत और संदीप गौतम। जो आपने जो आज डीएम को ज्ञापन दिया, किस मकसद से दिया है, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हम सभी पत्रकार लोग हैं, कुछ लोग देहात से भी बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं। यहाँ दरअसल जो सूचना कार्यालय है इटावा का, वहाँ घोर अन्याय चल रहा है पत्रकार लोगों के साथ। हम लोग यहाँ से अपना लेटर भेजते हैं तो वहाँ लेटर जमा कर लिया जाता है, लेकिन उस लेटर को सूचित नहीं किया जाता है, रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। कल को अगर कोई बात होती है, जैसे कोई पत्रकार है उसके खिलाफ कोई घटना होती है, तो यहाँ अगर उसका नाम दर्ज नहीं है तो उसको फर्जी पत्रकार बताकर उस पर केस लगवा दिया जाता है। तो इसके खिलाफ में हम लोगों ने अभी यहाँ एक ज्ञापन दिया है डीएम को। तो आपको जो ज्ञापन दिया है, आपने आपको मैडम ने क्या बोला? क्या जांच करवाएंगे, इस पर कार्रवाई करवाएंगे और आप लोगों को न्याय मिलेगा। अगर इसकी जांच नहीं होती तो आगे क्या करने का? इसके बाद हम ऊपर उच्च अधिकारियों के पास सूचना भेजेंगे, सूचना आयोग में जाएंगे, लखनऊ तक कार्रवाई करेंगे, दिल्ली तक कार्रवाई करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत, मैं इटावा का वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आज भारत उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत, संपूर्ण भारत में हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ जो अनावश्यक कार्य किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभी 5-6 दिन पहले की घटना है भारत समाचार टीवी चैनल पर और दैनिक समाचार, दैनिक भास्कर न्यूज पर, इन लोगों ने जब सच्चाई कोरोना की दिखानी चाहिए तो उन लोगों के खिलाफ मतलब ईडी लगा दी और उनका मतलब छापेमारी की जा रही है। तो मैं इन्हीं के सब तो इस विषय में आज ज्ञापन दिया है सर, आपने किसको ज्ञापन दिया है? आज मैंने ज्ञापन दिया वो सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है और मैं अपनी यही मांग करता हूँ कि हमारे पत्रकार बंधु सभी एक साथ होकर के मतलब काम करें, कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं है। हमारे बीच में जितने भी पत्रकार भाई बंधु खड़े हैं, ये सभी पत्रकार हमारे भाई हैं, न कि कोई कुछ टीवी चैनल का हो, चाहे वो समाज न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो पोर्टल से हो, काम सभी बराबर रहता है, लेकिन फर्क इतना ही रहता है, कोई अपने आप को बड़ा पत्रकार समझता, कोई छोटा। लेकिन आज यही आज देखने को मिल रहा है, जो बड़ा पत्रकार समझ रहे थे ना, वो भारत समाचार की टीवी चैनल और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वो जब इतने बड़े टीवी चैनलों पर छापेमारी की जाएगी तो हम लोग तो क्या करेंगे? इसी मकसद को लेकर के आज हमारे संगठन की तरफ से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं।